अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक हो। मेरा नाम अब्दुल खान है और आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल अब्दुल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला कि अगर आप लोग के मोबाइल पर अनपर्सनलिटी मैसेज है, स्टॉप पर ऑप्शन आता है, तो दोस्तों आप लोग ने इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर देना है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में सब कुछ होने वाला है। इसी साथ साथ दोस्तों, अगर आप लोग ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल अब्दुल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। जी बिल्कुल दोस्त, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पर मोबाइल की स्क्रीन पर आ गया हूँ और फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर उस प्रॉब्लम से एक स्क्रीन शॉट ले लिया है। मैं यहाँ पर गैलरी पर जाता हूँ और फिर इसके बाद यहाँ पर आप लोग को वही स्क्रीन शॉट दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर स्क्रीन शॉट पर क्लिक कर दिया और स्क्रीन शॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अनफॉर्चुनेटली मैसेज है स्टॉप्ड। तो दोस्तों, अगर आप लोग के साथ कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग ने इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर देना है और आप लोग के साथ मैसेज जो है वो बार बार स्टॉप हो जाता है तो आप लोग ने इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर देना है। तो दोस्तों, सब कुछ इस वीडियो में आप लोग ने वीडियो को लास्ट तक देखना है और स्किप नहीं करना है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आप लोग ने यहाँ से बैक चले जाना है और फिर इसके बाद यहाँ पर आप लोग ने करना कि यहाँ पर आप लोग ने सिंपली सेटिंग को ओपन कर देना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने एप्लीकेशन वाला ऑप्शन को सेलेक्ट कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मेरे साथ एप्लीकेशन वाला ऑप्शन आ गया है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आप लोग ने सिंपली एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन आता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग ने एप्लीकेशन मैनेजर पर क्लिक कर देना है। एप्लीकेशन मैनेजर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आप लोग के साथ बहुत सारे एप्लीकेशन आ जाएंगे और फिर इसके बाद यहाँ पर आप लोग ने करना कि यहाँ पर आप लोग ने जो मैसेज वाला एप्लीकेशन है वही डाउन लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर मैसेज वाले एप्लीकेशन को डाउन लिया और फिर इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आप लोग ने मैसेज वाले एप्लीकेशन को ओपन कर देना है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आप लोग ने सबसे पहले जो पोस्ट स्टॉप वाला ऑप्शन है यहाँ पर आप लोग ने पोस्ट को स्टॉप कर देना है और पोस्ट को स्टॉप करने के बाद यहाँ पर नीचे स्टोरेज वाला ऑप्शन है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग ने सिंपली स्टोरेज पर क्लिक कर देना है। स्टोरेज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है क्लियर डाटा वाला। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग ने क्लियर डाटा पर क्लिक कर देना है। क्लियर डाटा पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर डिलीट वाला ऑप्शन आता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग ने सिंपली डिलीट पर क्लिक कर देना है। डिलीट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे का ऑप्शन है परमिशन वाला। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग ने जो सारे ये सारे परमिशन है वो ऑन कर देना है। इसके लिए आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा वेट करें, मैं यहाँ पर सब कुछ आप लोग को दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मेरे साथ सारे की सारे परमिशन जो है वो ऑन हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आप लोग ने यहाँ से बैक चले जाना है और फिर इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आप लोग ने सर्च पर क्लिक कर देना है। सर्च पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आप लोग ने सर्च बार में टाइप कर देना है अपडेट। जी बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सेटिंग में सर्च को अपडेट कर दिया और अपडेट को सर्च करने के बाद यहाँ पर आप लोग के साथ बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर नीचे ऑप्शन है अपडेट नाउ वाला। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग ने सिंपली अपडेट नाउ पर क्लिक कर देना है और फिर इसके बाद दोस्तों, अगर आप लोग के साथ अपना डेटा है तो आप लोग अपने डेटा को ऑन करके मोबाइल को अपडेट कर देना, या अगर आप लोग के साथ वाईफाई कनेक्ट है तो आप लोग ने वाईफाई के जरिए अपने मोबाइल को अपडेट कर देना है। तो दोस्तों, अगर आप लोग अपने मोबाइल को अपडेट करना चाहते हैं तो आप लोग ने सिंपली यहाँ पर नीचे ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आप लोग के मोबाइल का अपडेटिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह आप सब लोगों ने कर देना है ताकि आप लोग का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। इसके बाद दोस्तों, अगर आप लोग के साथ कोई भी प्रॉब्लम तो आप लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम और इसके साथ साथ फेसबुक पेज का लिंक दे दिया है। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग मेरे साथ वहाँ पर रब्ता कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़।